मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार जोहार। मानव इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि इंसान सदियों से विभिन्न तरह के दंश झेलते आए हैं। कभी बाढ़ से तो कभी सूखा से, कभी महामारी से तो कभी महामंदी से, कभी दो राष्ट्रों के बीच भीषण युद्ध से, धर्म जाति या नस्ल के नाम पर दंगे और ना जाने कितने ही दंगे हुए। यदि हम कहें अपने भारत देश की, तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी कई दंगे देखने को मिले हैं। विशेषकर देश के बंटवारे के समय से अभी तक भी धर्म और जाति के नाम पर दंगे होते रहे हैं। और एक बात तो साफ है कि इन दंगों को शांत करने के लिए कोई ना कोई मसीहा आ ही जाते हैं। आज हम सुनेंगे उस महान आत्मा की जीवन गाथा जिन्होंने 24 मार्च 1964 को हिंदू मुस्लिम दंगे में अपना जीवन शांति और सौहार्द के लिए कुर्बान किया था। उसका धड़ अलग कर दिया गया था उस दंगे में। हम बात कर रहे हैं शहीद फादर हेरमन रास्कट की। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि इसी वर्ष यानी 24 मार्च 2023 को मुझे उसकी पुण्यतिथि पर उसकी ही जीवनी भारी जन समुदाय को, जहाँ हजारों की संख्या थी, में पढ़ सुनाने का अवसर मिला था। मुझे लगा क्यों ना उसकी जीवन गाथा को दुनिया के और लोग भी सुने। मैं इस योग्य तो अपने आप को नहीं पाता कि मैं उसकी लाइफ के बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन चलिए आज एक अयोग्य सेवक से ही उसकी जीवन यात्रा के वृत्तांत को सुने। इस सेवक फादर हेरमन रास्कट की जीवनी। जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। संत योहन अध्याय 12 पद संख्या 24। शहीद फादर हेरमन रास्कट का जन्म 3 सितंबर 1922 को नीदरलैंड के कंपेन नगर में हुआ था। इतिहास बताती है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में उसके पिता जूलियन रास्कट और माता सिसिला गुसेन्स को अपने देश से निर्वासित होकर नीदरलैंड होलैंड जाना पड़ा, जहां बालक हेरमन का जन्म हुआ। लेकिन बाद में हेरमन अपने माता पिता के साथ बेल्जियम के वेटेरन शहर में रहने लगे। प्रभु की पुकार सुनकर वे 7 सितंबर 1941 को नव शिष्यालय में प्रवेश किए। उन्होंने 1943 से 1945 तक बेल्जियम के वेपियाने में जूनियर रेट एवं 1945 से 1947 तक गोडिने में फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 28 नवंबर 1947 को हेरमन ने भारत देश में अपना पहला कदम रखा। 3 दिसंबर 1947 को वे रांची आई। सेंट जॉन्स स्कूल रांची में 2 साल की रेजेंसी के बाद वे थियोलॉजिकल स्टडीज यानी इस शास्त्र की पढ़ाई के लिए सेंट मैरीज कॉलेज कुर्सेयोंग खरसांग क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग चले गए। 21 नवंबर 1953 को उनका पुरोहित अभिषेक बड़े ही धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर उनके पिताजी ने कहा था, हेरमन का नाम भारतवर्ष के इतिहास में जरूर याद किया जाएगा। यह सचमुच एक भविष्यवाणी की तरह थी। 14 जनवरी 1958 से 3 जून 1958 तक खूंटी धर्म प्रांत की तोरपा पल्ली में एक सहायक पल्ली पुरोहित एवं 4 जून 1958 से 1 जनवरी 1961 तक कर्रा में पल्ली पुरोहित के रूप में रहे। 2 जनवरी 1961 में सिमडेगा धर्म प्रांत की कुटुंगिया पल्ली के पल्ली पुरोहित नियुक्त किए गए। कुटुंगिया रांची से 140 किलोमीटर की दूरी पर उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ घनघोर जंगल एवं पहाड़ों से घिरा एकांत एवं रमणीय जगह थी। रास्ता उबड़ खाबड़ था, आवागमन की कोई सुविधा नहीं थी। 18 मार्च 1964 में उड़ीसा प्रांत के राउरकेला में सांप्रदायिक दंगा आरंभ हुआ। बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, घरों में आग लगा दी गई। यह दंगा एक संगठित भीड़ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर फैलाया गया। 12 से 22 मार्च 1964 तक यह दंगा फसाद उपनगरों तक फैल गया था। दंगे की खबर सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम भाई अपनी सुरक्षा के लिए कुटुंगिया पल्ली के गेरदा की ओर भागे, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी। 22 मार्च 1964 को खजूर रविवार का दिन था। सभी विश्वासियों ने इसमें भाग लिया।
मिस्सा में उपस्थित प्रचारकों एवं शिक्षकों ने अनुभव किया कि फादर बेचैन थे। उनका उपदेश भी सामान्य दिनों की तरह प्रेरणादायक नहीं था। 24 मार्च को प्रचारक ने फादर को बतलाया कि गेरदा गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे के कारण दूसरे क्षेत्र के मुसलमान भाई भीड़ के भीड़ जमा हो गए हैं। गेनमेर के एक मुसलमान भाई ने भी फादर को बतलाया कि सारे मुसलमान बहुत भयभीत हैं, उन पर उन्मादी भीड़ कभी भी आक्रमण कर सकती है। अगली सुबह 7 बजे उग्र भीड़ ने मुसलमानों पर आक्रमण कर ही दिया। उन्मादी भीड़ का चीखना, चिल्लाना और मुसलमानों का विलाप कुटुंगिया तक सुनाई पड़ रहा था। इस हृदय विदारक समाचार को सुनकर फादर हेरमन व्याकुल हो उठे और कहा कि ऐसे बर्बर कार्यों और अन्याय को मैं सह नहीं सकूंगा, इसे रोकना होगा। चूंकि फादर को पता था कि गेरदा जाना मतलब अपने आप को जोखिम में डालना, फिर भी उन्होंने पारिश की चाबी प्रचारक को थमा दी और साइकिल लेकर गेरदा के लिए निकल पड़े। शिक्षकों और प्रचारकों ने कहा, वहाँ जाना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, पर फादर ने उत्तर दिया, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ और सचमुच शांति और धार्मिक सद्भावना एवं भाईचारे के लिए शहीद हो गए। फादर रास्कट करीब 7:30 से 8 बजे घटना स्थान पर पहुँचे। भीड़ में से किसी ने फादर को देखकर कहा, मारो, यह मौलवी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, इससे मत मारो, यह फादर है। फादर ने साइकिल एक ओर रख दी और भीड़ को चीरते हुए चहर दीवारी पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि आसपास आग से झुलसे हुए शरीर से पूरा आंगन पट गया था। चारों ओर स्त्रियों एवं बच्चों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ऐसा भयंकर दृश्य देख फादर द्रवित हो उठे और कहा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। जान लेना बहुत बड़ा अपराध है, इस पागलपन को रोक लो। इसी समय भीड़ में से आवाज़ आई, मार डालो इसे, यह भी मुसलमान है। इस आवाज़ के साथ ही फादर के सिर पर जोरदार वार हुआ। उन्होंने प्रार्थना की मुद्रा में घुटने टेक दिए और अपने को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिए। उनका गला काट दिया गया और मस्जिद के सामने ही उनके प्राण निकल गए। बाइबल का यह कथन यथार्थ होता है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। उग्र भीड़ ने लाश को जलाने के लिए पुआल डाल दिया, लेकिन कुछ कैथोलिकों ने ऐसा न करने की अर्जी विनती की। इसके बाद मृत शरीर को गेरदा के गिरजाघर में लाया गया। दूसरे दिन 25 मार्च को 3 संतन्ना की धर्म बहनों एवं कुछ विश्वासियों की मदद से लाश कुटुंगिया पल्ली लाया गया तथा पुराने पल्ली भवन से कुछ दूर पश्चिम दिशा में साल वृक्षों की झुरमुट में दफनाया गया। गेरदा मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। वह खंडहर आज भी उस दुखद घटना की याद दिलाता है। इस दुखद घटना को सुनकर वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन परिवार को पत्र लिखकर संवेदना प्रकट करते हैं कि इस महान बलिदान को भारत देश कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं वर्तमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, उसने भाईचारे और शांति के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री बी के सहाय ने भी कहा, अपनी भ्रातृ प्रेम को बनाए रखने के प्रयास में शहीद हुए फादर हेरमन रास्कट का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। मेरे प्रिय तीर्थयात्रियों, आज फादर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्शमय जीवन की यादगारी एवं प्रार्थना हम सबों के बीच हमेशा रहेगी। आइए हम आज उनके अमर शहादत के पुण्यतिथि के अवसर पर उस महान आत्मा को शत शत नमन करते और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे बीच प्रेम, शांति, भाईचारा एवं आपसी सौहार्द के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय ईश भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि शहीद फादर हेरमन रास्कट की संत घोषणा की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए आपके निरंतर प्रार्थना की नितांत आवश्यकता है। संत घोषणा की प्रक्रिया के लिए 4 चरण होते हैं। पहला ईश सेवक, दूसरा पूजनीय, तीसरा धन्य घोषणा और चौथा संत की घोषणा। अभी फादर हेरमन
ईश सेवक हैं, बहुत जल्दी आप सबों की प्रार्थनाओं से पूजनीय हो जाएंगे, ये हमारे विश्वासियों का विश्वास है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को ईश सेवक फादर हेमन रास्कट को जान सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।